कैलाश मानसरोवर यात्रा अब चीन और नेपाल जाए बिना ही पूरी की जा सकेगी। आपको ये सुनकर भले ही आश्चर्य हो, लेकिन ये सच होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने संसद में कहा है कि साल 2023 के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा बिना चीन और नेपाल जाए ही पूरी की जा सकेगी। अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट चीन और नेपाल की तरफ से है। नितिन गडकरी ने यह दावा किया है कि अगले साल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक नए रूट को चालू कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि रूट तैयार होने के बाद वो पीएम नरेंद्र मोदी को भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ले जाएंगे। जानकारी देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर रूट पर 85% काम पूरा हो चुका है। चीन और नेपाल के रास्ते मानसरोवर ना जाना पड़े, इसीलिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से रूट तैयार किया जा रहा है। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों का न केवल समय बचेगा, बल्कि कठिन रास्तों की दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। नितिन गडकरी ने जब संसद में इस रूट को लेकर अपडेट दिया तो पूरे देश में हलचल मच गई थी। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क बनाने के लिए विशेष हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के जरिए -5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में मशीनें पहुंचाई गईं। गडकरी ने कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन दुर्गम इलाकों में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से उत्तराखंड से जुड़ती चीनी सीमा पर करीब 80 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क को रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए अब आपको नितिन गडकरी का वो बयान सुनवाते हैं जिसे सुनकर देश हैरान भी है और खुश भी। कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए। -5 डिग्री -3 डिग्री अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड, और ये रोड बन जाएगा। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।